हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक अवनीश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है टेक न्यूज़ नंबर 26। जी हाँ दोस्तों, हमने 25 टेक न्यूज़ कंप्लीट कर ली हैं और इसी तरह से हम बढ़ते रहेंगे, आपका साथ बना रहेगा। और इसी बात पे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है Redmi Note 10 सीरीज की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 10 सीरीज 4 तारीख तीसरे महीने 2021 यानी कि मार्च महीने की 4 तारीख को आपको Redmi Note 10 सीरीज देखने को मिलेगा इंडिया और ग्लोबली दोनों में ही, मतलब कि इंडिया के साथ साथ ग्लोबली लॉन्च होगी Redmi Note 10 सीरीज। उसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है फिर से Redmi की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Redmi ने जो कल मैंने आपको ट्वीट दिखाया था जिसमें Redmi ने पूछा था कि LCD प्लस, मतलब कि बेस्ट LCD पैनल प्लस 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले चाहिए या फिर AMOLED डिस्प्ले चाहिए, 88% जो वोट रहे थे वो AMOLED डिस्प्ले को रहे थे। इस चीज को देखते हुए Redmi ने सोचा है तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उन्हें LCD पैनल भी देना है और वो तो देना ही है, तो पूछा ही था मजाक में। इस वजह से उन्होंने पोल और ट्वीट दोनों डिलीट कर दिए हैं। वाओ, मतलब पूछा ही क्यों था फिर। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है Realme की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Realme का जो Narzo 30 Pro और Narzo 30A जो स्मार्टफोन होंगे वो Realme Q2 और Q2 Pro के रीब्रांडेड वर्जन हो सकते हैं। अगर उन्हीं की तरह से देखा जाए तो सेम टू सेम स्पेसिफिकेशंस होंगी। कुछ एक स्पेसिफिकेशन मैं आपके सामने बता दे रहा हूँ, जैसे कि उसकी एक पिक्चर लीक हुई है, उस पिक्चर में बताया गया है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity 800U 5G प्रोसेसर और इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज की LCD पैनल, जो कि 6.5 इंच की फुल HD प्लस LCD पैनल होगी। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको देखने को मिलेगा 30 वाट फास्ट चार्जिंग, मतलब कि Realme Narzo 20 Pro में थी 65 वाट की फास्ट चार्जिंग और Realme Narzo 30 Pro में आपको देखने को मिलेगी सिर्फ 30 वाट की फास्ट चार्जिंग। इसका रीजन ये है कि इसमें 5G प्रोसेसर दे दिया है, क्योंकि अब जो स्मार्टफोन बेचे जाएंगे केवल 5G के नाम पर ही बेचे जाएंगे। और उसी के साथ साथ जो देखने को मिला है कि Realme का Narzo सीरीज का जो 30A जो स्मार्टफोन आने वाला है वो भी एक अच्छे खासे प्रोसेसर के साथ आएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि उसमें MediaTek का Dimensity कौन सा प्रोसेसर होगा। मेरे अंदाजे उसमें 700 सीरीज का प्रोसेसर होगा, क्योंकि इस समय उनको 5G ही स्मार्टफोन देने हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है नथिंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नथिंग मतलब नथिंग, कुछ भी इंडिया में नहीं आ रहा है, नथिंग मतलब कुछ भी आ रहा है, नथिंग इंडिया में नहीं आ रहा है और नथिंग ही इंडिया में आ रहा है, मतलब कि कुछ नहीं आ रहा है और कुछ आ रहा है, गड़बड़ हो गया। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है नथिंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नथिंग इंडिया में आ रहा है, नथिंग मतलब कुछ नहीं इंडिया में आ रहा है, और कुछ नहीं का मतलब नथिंग एक कंपनी है, उसकी तरफ से इंडिया में कंपनी की स्टेब्लेशन, मतलब कि कह सकते हो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और इंडिया में नथिंग नाम की कंपनी, जो कार्ल पी की कंपनी है जो कि वन प्लस के कोफाउंडर थे, वो इंडिया में आ रही है और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की तैयारी भरपूर हो चुकी है। मतलब कि नथिंग कंपनी इंडिया में आ रही है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स शायद से हमें देखने को मिल सकते हैं इंडिया में भी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है मी की तरफ से आने वाले एक स्पीकर की। जी हाँ दोस्तों, 22 फरवरी को आपको देखने को मिलेंगे मी की तरफ से दोपहर 12 बजे को स्पीकर, जिसमें होंगे 16 वाट के दो स्पीकर और एक बूफर, और उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगी IPX7 की रेटिंग, जो कि वाटरप्रूफ रेटिंग हो जाती है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें देखने को मिलेगा आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0, जो कि बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ ही साथ आपको इनबिल्ट माइक देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आप हैंड फ्री कॉलिंग कर सकते हो। और उसी के साथ साथ देखने को मिलेगी 2600mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं ये अभी नहीं बताया गया है, और चार्जिंग कनेक्टर माइक्रो USB है या सी टाइप ये भी नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें यह बोला गया है कि अगर आप उसको 50% वॉल्यूम में सुनते हो तो 13 घंटे तक का आपको बैटरी बैकअप दे देता है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली खबर पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस तक नहीं बताया गया, मतलब कि मी स्पीकर का अभी प्राइस भी नहीं बताया गया। ये बताया गया है कि 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे आपको देखने को मिलेगा मी की तरफ से एक स्पीकर जिसमें 16 वाट के स्पीकर्स होंगे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है ओप्पो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो की तरफ से आपको एक ऐसा स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है जिसमें होगा एक मूविंग कैमरा, मतलब कि सेल्फी लेते टाइम पे वो कैमरा मूव करेगा। ये किस लिए है ऐसा पता नहीं है, शायद से 3D फोटो के लिए हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी जो लीक वगैरह दी है वो दी है लेट्स गो डिजिटल ने, तो देखते हैं क्या होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है गूगल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, गूगल की तरफ से एक टेस्टिंग की जा रही है जिसकी वजह से आप अपने PC या डेस्कटॉप पर डार्क मोड इनेबल कर सकते हो सर्च करते टाइम पर। तो देखते हैं ये कितनी जल्दी फीचर आता है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है Samsung Galaxy A52 स्मार्टफोन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Samsung Galaxy
F62 स्मार्टफोन अभी अभी लॉन्च हुआ है और इसके तुरंत बाद ही आपको देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A52 स्मार्टफोन। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही वेरिएंट में आएगा, 4G और 5G दोनों में ही थोड़ी थोड़ी स्पेसिफिकेशंस का डिफरेंस होगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो माइनर डिफरेंस होंगे। अगर मैं पहले डिफरेंस की बात करूं तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A52 मतलब कि अगर मैं एक तरफ 4G और एक तरफ 5G बोलूं तो समझ जाना, 4G स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर और 5G स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 750 प्रोसेसर और 4G स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले सुपर एमोलेड पैनल के साथ में। उसी के साथ साथ 5G स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी आपको 90 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड पैनल के साथ में डिस्प्ले। और मैं आपको बता दूं, अगर सेल्फी कैमरे की बात करूं तो दोनों तरफ सेम कैमरा है, 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा। और रियर कैमरा की बात करूं तो सैमसंग गैलेक्सी A52 स्मार्टफोन 4G में आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल कैमरा, जिसमें 64 मेगापिक्सल मेन, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ। और अगर मैं इधर बात करूं मतलब कि 5G स्मार्टफोन में, तो वहां आपको देखने को मिलेगा 64+8+5+2 मतलब कि जो 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा अल्ट्रा वाइड वो चेंज हुआ, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर बैटरी की बात करूं तो 4500mAh की इधर, 4500mAh की इधर, लेकिन आपको 5G वाले के साथ में मिलेगा 15 वाट का फास्ट चार्जर और 4G वाले के साथ में मिलेगा 25 वाट का फास्ट चार्जर। ये इसलिए इधर थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं मतलब कि 4G वाले स्मार्टफोन के साथ में, कि ये बिक जाए, वरना ये बिकेगा नहीं, क्यों खरीदेगा कोई फिर से। और मैं आपको बता दूं, 5G के साथ थोड़ी थोड़ी लेस स्पेसिफिकेशन इसलिए दी गई क्योंकि वो 5G है, पब्लिक इस वजह से खरीदेगी। और अगर प्राइस की बात करूं तो सैमसंग गैलेक्सी A52 4G स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा 349 यूरो, यानी कि अगर मैं उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करता हूं तो 30,834 रुपये बैठते हैं। अगर मैं 5G वेरिएंट की बात करूं तो वहीं आपको देखने को मिलेगा 429 यूरो, यानी कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने पर ये 37,893 रुपये बैठ जाते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया में आने वाले इनकी प्राइस की, तो ये थोड़े थोड़े घटकर ही आएंगे क्योंकि ये यूरोज में जब होते हैं तो उस समय थोड़ा से महंगे होते हैं और जब इंडिया में आते हैं थोड़े थोड़े सस्ते हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है टेक अवनीश यूट्यूब चैनल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टेक अवनीश यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन बन के आएगा उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो 88% जो वोट रहे थे वो एमोलेड के पक्ष, एमोलेड मतलब कि जब आप अपने डेस्कटॉप या पीसी पर गूगल पे सर्च करते हो तो उस टाइम